राखी सावंत जब भी बिग बॉस के घर में आती है तो उनके पति रितेश की जरूर चर्चा होती है। आखिरकार बिग बॉस 15 में राखी सावंत अपने पति रितेश के साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आई है और दुनिया ने राखी सावंत और रितेश को एक साथ देखा। वहीं रितेश ने घर वालों को राखी सावंत के साथ अपनी लव स्टोरी सुनाई। बिग बॉस के घर में रितेश चेहरे को चेहरे से छुपाए एंट्री करते हैं। इसके बाद राखी सावंत नई नवेली दुल्हन के तरह आरती का थाल लेकर उनकी आरती उतारती है और पैर छूती है। आरती उतारते हुए राखी सावंत रितेश से कहती है, आपका स्वागत है। 12 मुल्कों की पुलिस और पूरे देश की जनता आपका इंतजार कर रही थी। इतना सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। घर वाले राखी सावंत और रितेश को देखकर काफी खुश होते हैं और राखी सावंत आते ही मनोरंजन करना शुरू कर देती है। इसके बाद घर वाले रितेश से उनकी राखी सावंत के साथ लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं। इस पर रितेश बताते हैं कि मैं राखी से व्हाट्सएप पर मिला था, मैंने उसे देखा था लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। शादी के लिए राखी ने प्रपोज किया था। रितेश ने आगे बताया कि मेरे पीए ने मुझे राखी का नंबर दिया था, मैं एक इवेंट करने वाला था। एक दिन मैं बहुत परेशान था तो मोबाइल नंबर देख रहा था तो राखी का मैसेज कर दिया। इसके बाद राखी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक दिन राखी परेशान थी तो उसने मुझे मैसेज किया। राखी ने मैसेज में कहा था कि उनका ब्रेकअप हो गया तो वह परेशान है। मैंने कहा कि अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। राखी सावंत ने बताया कि मेरे इंटरव्यूज रितेश को बेहद पसंद थे। रितेश अपनी पत्नी राखी सावंत से अकेले में बात करते हैं कि घर का माहौल कितना अच्छा है। इस पर राखी सावंत कहती है कि आप नए आए हो इसलिए लग रहा है, जो आज आपको चाय पिला रही है वह कल आपको जहर पिलाएंगे। जीजाजी कहने वाले कुछ ही देर में बदल जाएंगे। रितेश और राखी सावंत घर वालों के बारे में बातें कर काफी खुश होते हैं। बिग बॉस घर में आए सभी नए सदस्य राखी सावंत, रितेश, रश्मि देसाई और देवोलीना को वीआईपी जोन के नियम के बारे में बताते हैं। इसके बाद सभी सदस्य वीआईपी जोन में जाते हैं, वहीं घर के बाकी सदस्य उन्हें परेशान करते हैं। फिर घर के सभी सदस्य राखी सावंत और रितेश की सुहाग रात को लेकर तफरी करते हैं और उनका बेड सजाते हैं।